नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का सुजाता एसोसिएट में। दोस्तों, हम लोग ट्राई करते हैं आप लोग को कैसे टेक्निकल आइडिया प्रोवाइड करें या फिर कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन या लीगल एडवाइस प्रोवाइड करें। तो आज हम लोग आपको ये बताने जा रहे हैं कि MCA का न्यू सॉफ्टवेयर या न्यू पोर्टल V3 पोर्टल में आप अपना DSC यानी कि डिजिटल सिग्नेचर कैसे एसोसिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए तो पूरा प्रोसेस आप जान जाइएगा। एंड अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि इस तरीके का और भी वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों, मेरे साथ है हमारी कंपनी सेक्रेटरी मिस्टर तापस जी। वेलकम टू अवर चैनल सर। तो सर, प्लीज़ आप हमारे क्लाइंट्स को या व्यूअर्स को ये बताइए कि V2 से जो V3 पोर्टल MCA में हुआ है अभी, तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर कैसे एसोसिएट करें। देखिए, बहुत सारा कंपनी है जो लोग प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट क्या होता है, पूरा प्रोसेस जब वो लोग फिनिश कर लेते हैं उसके बाद वो लोग कंपनी सबमिट नहीं कर पाते। ये एक ही कारण से, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि V2 पोर्टल में जो एसोसिएट कर रहे हैं हम लोग DSC, उसी DSC को एसोसिएट करने के बाद ये कंपनी अपलोड हो जाएगा जी। लेकिन बेसिकली होता नहीं है, क्योंकि अभी सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ है। अभी V2 से V3 में कन्वर्शन हुआ है, मतलब कंपनी का नया सॉफ्टवेयर जो होता है मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स का साइट जी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, कंपनी आप अगर प्रॉपर सबमिट करना चाहते हो उसके लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर को एसोसिएट करना पड़ेगा। कैसे एसोसिएट करोगे, V2 में नहीं लेकिन V3 में करना पड़ेगा। कैसे करोगे, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, नया एक मेल आईडी और नया एक फ़ोन नंबर, जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, MCA साइट में देखिए V3 पोर्टल के ऊपर में मेल आईडी फोन नंबर देखे, वहां पर आपको अपना आईडी पहले जनरेट करना पड़ता है। तो MCA में लॉगिन क्रेडेंशियल एकदम ओके। जो पहले होता था क्या, कोई CA अगर करता था उसका खुद का आईडी से करता था, लेकिन अभी क्या किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरा चेंज कर दिया है। आप अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आप अगर IN-C20A कर रहे हो, आप अगर कंपनी का एड्रेस चेंज कर रहे हो या फिर एड रिमूव कर रहे हो, पूरा कंप्लीट काम होगा आपका खुद का आईडी के अंडर। तो हर एक कंपनी का सर इंडिविजुअल आईडी बनाया जाएगा एकदम, हर कंपनी का इंडिविजुअल आईडी बनेगा एंड उसके अंदर में जो डायरेक्टर लोग हैं उन लोगों का भी इंडिविजुअल आईडी बनेगा ओके। उसके अंडर में ये सब काम होगा ओके। तो ये आईडी आपको जनरेट करना पड़ेगा V3 पोर्टल में, जहाँ पर बेसिक थोड़ा डिटेल्स भरना पड़ता है। वहाँ पर जैसे आपको लोग जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर होंगे उन लोगों का पैन कार्ड का डिटेल्स, जैसे उनका नाम हो गया, उनका मतलब डेट ऑफ बर्थ हो गया, उनका पैन नंबर हो गया एंड उनका एड्रेस हो गया। ठीक है, लास्ट में हम लोग का क्या होता है, जैसे हर चीज़ का एक तो पासवर्ड जनरेट होता है, तो इसका भी एक तो पासवर्ड देना पड़ता है और इसके बाद होता है एक तो हिंट क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है, जहाँ पर आपका डेट ऑफ प्लेस हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका मदर्स नेम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देने के बाद ये आईडी पूरा क्रिएट होता है ओके। ये मतलब आईडी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है गवर्नमेंट इसी कारण से कि आपका फाइलिंग, आपका कंपनी एंड आपका सारा कुछ काम आप खुद ही देख पाए, कोई मिसयूज ना कर पाए, मिसयूज नहीं कर पाए ओके। तो सर, ऐसे कंप्लीट हो जाता है ये प्रोसेस कि और भी कुछ यहाँ पे प्रोसेस करना पड़ता है DSC एसोसिएट करने के लिए? नहीं, ये प्रोसेस यहाँ पर तो ये जैसे फर्स्ट टाइम जो लोग डायरेक्टर हो रहे हैं उनके लिए ये प्रोसेस है ओके। लेकिन जिन लोगों का डीन नंबर है पहले से V3 पोर्टल आने से पहले, तो पहले उन लोगों को पहले आईडी क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद उनका जो डीन नंबर है उनका प्रोफाइल में जाके वो डीन नंबर को ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव से डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उसमें डिजिटल सिग्नेचर लगा के नया पासवर्ड क्रिएट करके फिर वो आईडी को मतलब उस आईडी को एंड उसको DSC को एसोसिएट करना पड़ता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, जैसे कि आपने बताया एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है राइट, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए ये जानना चाहते कि डिजिटल सिग्नेचर जो होता है सर, वो टोकन का एक इंडिविजुअल पासवर्ड रहता है ना, और आप जो MCA में पासवर्ड जनरेट करने की बात कर रहे हैं सर, वो दोनों पासवर्ड अलग होगा राइट? एकदम मैम जो बोले हैं अभी कि दोनों का पासवर्ड अलग होगा, हाँ एकदम ही, आपका जो आईडी बनेगा उसका एक तो अलग पासवर्ड होता है, जो डिजिटल सिग्नेचर होगा उसका एक तो अलग पासवर्ड होता है ओके। लेकिन आप जब आईडी जनरेट करोगे, आपका डिजिटल सिग्नेचर का जो पासवर्ड होता है वहाँ पर वो नहीं लेगा। अगर आपका पासवर्ड 1 से 8 होता है उसको आपको नया पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, उसको 1 से 8 के जगह में उसको 1 से 9 करना पड़ेगा, नहीं तो न्यू क्रेडेंशियल चाहिए सर, क्रेडेंशियल बनाना पड़ेगा।
ओके नहीं तो पासवर्ड नहीं लेगा। ओके तो दोस्तों जो लोग भी आप लोग एनसीए पोर्टल में काम करते हैं, और डेफिनेटली आप लोग को ये पता होना चाहिए कि डिजिटल सिग्नेचर अगर आप लोग एसोसिएट नहीं करते हैं तो फिर आगे का आप कोई भी काम या फाइलिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको और भी डिटेल में जानना है कि डिजिटल सिग्नेचर कैसे बनाया जाता है, या फिर इसका क्या वैराइटीज़ होता है, क्या वैलिडिटी होता है, या फिर एनसीए पोर्टल में जाके सर जो प्रोसेस बताया है उसको कैसे अप्लाई करना होता है, ये सारा प्रोसेस के लिए हम लोग ऑलवेज आपके साथ है सुजाता एसोसिएट। दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर फोन कर सकते हैं, या फिर बिलो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी मेंशन कर सकते हैं आपका क्वेरीज। और भी अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हम लोग को इन्फॉर्म कीजिए, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच सर हमको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, या व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एंड दोस्तों आप लोगों को भी थैंक यू, ये वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सुजाता एसोसिएट्स, नेक्स्ट स्टेप टू योर बिजनेस।